ये बताने की कोशिश कि कितने खुश है वो, कितना गर्व है न सिर्फ उन्हें बल्कि पूरे भारत को इन खिलाड़ियों पर। उसी लेके वरुण शर्मा बड़े माता जी, आप देखो देखो कॉलर भी है, टीचर भी है, उन्होंने फादर भी मजबूत है। देख यार थोड़ा पीछे पीछे फोन पीछे सर दिखा रहे हैं, हेलो माता जी देखो चंक दे इंडिया को चंक दे। बड़े माता जी, आप देखो देखो कॉलर भी है, टीचर भी है, उन्होंने फादर भी मजबूत है। देख यार थोड़ा पीछे पीछे फोन पीछे सर दिखा रहे हैं, हेलो माता जी देखो चंक दे इंडिया को चंक दे। अपने फैमिली मेंबर हूँ उसी लेके वरुण शर्मा बड़े माता जी, आप देखो देखो कॉलर भी है, टीचर भी है, उन्होंने फादर भी मजबूत है। यार थोड़ा पीछे पीछे फोन पीछे सर दिखा रहे हैं, दिखा रहे हैं, कॉलिंग करके हेलो माता जी देखो चंक दे इंडिया को चंक दे। अपने फैमिली मेंबर हूँ उसी लेके वरुण शर्मा बड़े माता जी, आप देखो देखो कॉलर भी है, टीचर भी है, उन्होंने फादर भी मजबूत है। यार थोड़ा पीछे पीछे फोन पीछे सर दिखा रहे हैं, दिखा रहे हैं, कॉलिंग करके हेलो माता जी देखो चंक दे इंडिया को चंक दे। अपने फैमिली मेंबर हूँ सर दिखा रहे हैं, दिखा रहे हैं, कॉलिंग करके हेलो माता जी देखो। रविंद्र रैना जो कि बीजेपी के जम्मू में बीजेपी के अध्यक्ष हैं और यहां पर वो किस तरह से जश्न मना रहे हैं, तिरंगा फहराया जा रहा है, लहराया जा रहा है तिरंगे को, और ये जश्न ये खुशी छिपे ना छिपे किसी से पूरा देश आज एक होकर के जश्न मना रहा है, जो जहां है वहां पर जश्न मना रहा है। और ये देखिए किस तरह से ये तिरंगा शान से यहां पर लहराया जा रहा है, टोक्यो में जिस तरह से हमारे शेरों ने वहां पर प्रदर्शन किया, जिस तरह से भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने वहां पर प्रदर्शन किया वो काबिले तारीफ है। शुरुआत से ही हालांकि शुरुआत जो रही वो कुछ खास नहीं रही, लेकिन धीरे धीरे जिस तरह से डिफेंडिंग मोड से हटकर अटैकिंग मोड में हमारी टीम ने खेलना शुरू किया और ये शानदार जीत दर्ज की, जिसके बाद इतिहास के पन्नों में आज का दिन जो है वो दर्ज हो गया है। अब इस तरह की तस्वीरें हर जगह से आ रही है, हर कोई बधाई संदेश दे रहा है। रविंद्र रैना यहां जम्मू से आपको हम दिखा रहे हैं तस्वीरें, किस तरह से समर्थकों के साथ, बाकी लोगों के साथ, आसपास के लोगों के साथ यहां तिरंगा लहराते हुए और इस जश्न को मनाते हुए तमाम, चाहे केंद्रीय मंत्री हो, राजनेता हो, या फिर किसी भी, चाहे फिल्म जगत से लोग हो, तमाम लोग जो हैं इस वक्त अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं, क्योंकि जो गौरव का पल हमारी भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने हमें दिया है 41 सालों बाद, जो मेडल का एक तरह से सूखा था भारतीय हॉकी में उसको पूरा किया है वो काबिले तारीफ है। देखिए अब वहां से तस्वीरें भी सामने आ रही है कि जैसे ही हमारी टीम जीती उसके बाद क्या इमोशंस थे वहां पर खिलाड़ियों के, वो भी तस्वीरों के जरिए सामने आ रहा है। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय।
हम रुकेंगे यहां पर एक छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए आज तक। 3, 2, 1